प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। कल जो राजमा के बीज उपचार कर ले रही है, ऊपर की सब तैयारी कर ली है? भैया आज हम खेत जा रही है रोपे, यहाँ बहुत बढ़िया समय पर चले है। चलो हम यहाँ कभी बता दे, हम थोड़ा सा जलावन रख दे चूल्हा के पास, तब हम यहाँ सब कुछ बता दे। ठीक है दीदी। देखो भैया हम तो सब सामान ले के चल एलिए, अब यहाँ बैठू हम यहाँ का सब कुछ बताबे। ठीक छे दीदी, बैठे छे। भैया हम सब सामग्री के यहाँ के एक एक करके बताबे छे, यहाँ ध्यान से देखू। ठीक छे, बतबू दीदी। भैया ये बर्मी कम्पोस्ट छे 20 किलो, ये भए गेल DAP 4 किलो, ये भैया यूरिया छे 5 किलो, ये भैया भए गेल पोटाश 2 किलो, ये सल्फर छे भैया एमे से 300 ग्राम, ये भैया खुरपी छे, ये रोपाई खातिर हमें खुरपी ले लिए, ये उपचारित बीज छे भैया 750 ग्राम राजमा के, और भैया एगो कठौत लेने छे, ये कठौत से सब उमला के खाद खेत में छिटबे। ये देखियो भैया हम 2 गो मार्कर लेने छे, मार्कर जे छे बीज से बीज के दूरी रखे खातिर हमें 10 सेंटीमीटर पर बने लिए, ठीक छे। और ई जे छे भैया ई 1 फीट पर हम बनेने छे, ए तो भैया ई 1 फीट पर छे, ई लाइन से लाइन के दूरी रखे खातिर जे बनेने छे। भैया सब कुछ समझ गेलिए ना? हाँ दीदी समझ गेलिए। तो आप चलू जाय छे खेत पर रोपा करे ले, यहाँ चलू। ठीक छे दीदी, चलू रोपा करे ले। आप ओकरा छीट दिए पहिने तब लेब। ठीक छै दीदी। भैया हम 5 किलो यूरिया में से अभी 2.5 किलो यूरिया निकाल रहल छियै की छीटे खातिर। भैया आप जे 2.5 किलो यूरिया तो छीटिए देलिए, अब 2.5 किलो यूरिया जे बचलै हम 2 बार जे खेत में पानी पटेबै, प्रथम पटवन में हम 1.25 किलो देबै, फिर दोसर पटवन में भी हम 1.25 किलो यूरिया देबै। आब सल्फर 300 ग्राम हम निकाल लेलिए, ठीक छै, ई सब को ओहिमे डाल करके और मिला करके यहाँ खेत में छिटबे। ठीक छै दीदी, सब सामग्री के मिला ले। हाँ ओहिमे DAPO डालू। पोटाश भी डालियो ओहिमे। आब सब मिला तऽ भए गेलै भैया। दीदी मिलबै आब बर्मी कम्पोस्ट यहाँ छिटिए देलिए खेत में, आब ई चारो खाद के छी हाँ, सब मिला दियो बढ़िया से और छिट दियो खेत में। राजमा के जे छे कोन कोन समय में लगायल जाय छे? राजमा के जे छे सबसे यहाँ 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ही एकर रोपाई कर सके छी, ओकर बाद यहाँ रोपाई करबै त यहाँ के जे छे उत्पादन कम हैत। भैया खेत तो बहुत बढ़िया से बन गेलै, खादो छिटा गेलै, आम जे छे रोपे खातिर हमरा 2 गो मार्कर के जरूरी पड़तै, जैसे कि बीज के दूरी खातिर और लाइन से लाइन के दूरी रखे खातिर। भैया ये जे छै ने मार्कर हम लाइन से लाइन के दूरी रखे खातिर हम 30 सेंटीमीटर के बनेने छियै, या एकरा 1 फीट भी बोलल जाय छै। मार्कर के यही आड़ के सीधा हम गाड़बै ताकि हमर लाइन जे छै सही रहे। हम यहाँ गाड़ रहल छियै भैया, और यहाँ जहाँ तक ई मार्कर जेतै ने वहाँ जा करके एकरा यहाँ खुट्टी के गाड़ि दियो। ठीक छै दीदी, हम यहाँ गाड़ि दै छियै। बढ़िया से गाड़बै तनिटा।
भैया आई बगल ते यहाँ मारकर गाड़ी लिए, आप जे भैया देखियो सीएम ये बगल जे छे यहाँ ई खुट्टी के गारू, आप जे छे बीच से बीच के दूरी रखे खातिन जे छे 10 सेंटीमीटर के मार्कर बनेने छे आ एहा एकरा लगेने छे, एकरा हम यहाँ पे कोना पर गाड़ रहल छे और यहाँ ओ कोना पर जाके गरबे, पहिने यहाँ ध्यान से देख लियो हम केना गारे छे। ठीक छे दीदी, गाड़ देखिए गाड़ ललिए ना भैया। हाँ दीदी, ई देखिए ई मार्कर छे यहाँ। हाँ। और दोसर जे हम गाड़ ले ई दोनों सेम एक जगह पर होना चाहिए, यहाँ ऊ कोना में गारू। ठीक छे दीदी, गाड़ ली। भैया ये देखियो दीदी जे छे राजमा के बुआई कर रहल छे, ठीक छे ई चीज ध्यान से यहाँ देख लियो, जहाँ जहाँ ई मार्का लागल छे वही वही जे छे ने बीज बोना छे, और जे छे ई जे जमीन के अंदर से जे राजमा के बीज 1.5 सेंटीमीटर ही अंदर जाए। अगर दूसरा लाइन फिर हमरा रोपाई बुआई करना छे ई जे छे ने ई खुट्टी के यहाँ से हटा करके हमें फेन यहाँ छे ने मार्का लगल। हाँ, से मार्का लग ही हम ई दोसर खुट्टी के गाड़ब। ठीक छे दीदी, लाइन्स केना लाइन से लाइन के दूरी और बीच के बीच से दूरी रखे खातिन जे छे कोन तरह से रोपाई भए रहल छे, और सेम इएह तरह से छे एहि छोर से लए के ओहि छोर तक जे छे रोपाई होत। हम खेत में तो राजमा लगा देने छे और हमरा पहला पटवन जे छे ना 22 से 25 दिन के अंदर में ही करबे, और दूसरा पटवन हम 40 से 50 दिन के अंदर में ही करना जरूरी छे। ठीक छे दीदी, आज बतेलिए कि प्रथम पटवन जे छे 22 से 25 दिन में करना छे और दूसरा पटवन 40 से 50 दिन में करना छे, ई बात के हम ध्यान रखबे और सिंचाई सही समय पर करबे। भैया राजमा के जे छे बुआई ई जे छे ना ऊ खेत में करना छे जेमे कि पानी नहीं लागे छे, अगर पानी लागे छे तो ओकर सही समय से निकासी हो जाना चाहिए। दोसरका छे भैया समय से छे राजमा के बुआई हो जाना चाहिए खेत में, जैसे कि फसल अच्छा होइ छे। जब भी खेत में पानी पटेबे तो ई ध्यान में रखना चाहिए कि खेत में बेसी पानी नहीं जमा हो। भैया राजमा खेती में मुख्य 3 गो बिंदु छे, ओकरा जे छे बहुत आवश्यक छे यहाँ के ध्यान में रखने। ठीक छे दीदी, यहाँ बिंदु बतबू हम ध्यान में रखबे। भैया पहला मुख्य बिंदु छे बीज के बीच से दूरी 10 सेंटीमीटर के होना चाहिए, दूसरा मुख्य बिंदु छे लाइन से लाइन के दूरी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए या 1 फीट, और तीसरा मुख्य बिंदु छे भैया जे जब बीज के बुआई करल जाए वह समय 1 से 1.5 सेंटीमीटर ही जमीन के अंदर जाए। हाँ दीदी, ये जे जानकारी यहाँ दिलिए एकर लिए बहुत बहुत अहाँ के धन्यवाद। यहाँ भैया इतने समय दिलिए हमरा पास सीखलिए, यहाँ को बहुत बहुत धन्यवाद। खेतवा में लाए रे हरी हरी राजमा हो, जीविका चले होले होले। खेतवा में लाए रे हरी हरी राजमा हो, जीविका चले होले होले। राजमा रोपै छी हमे बर्मी कम्पोस्ट छिटै छी, राजमा रोपै छी हमे बर्मी कम्पोस्ट छिटै छी। कबहु मशीनिया से